नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, AR Homes को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हर रोज आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर लेकर के आते हैं और आपको घर बैठे घर दिखाते हैं। इसीलिए AR Homes को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत ही एक्साइटेड करता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए फिर से जयपुर की प्राइम लोकेशन कालवाड़ में बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस के अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेकर के आ गया हूँ, जिसमें कि आपको 3-बेडरूम विला मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि जयपुर की प्राइम लोकेशन कालवाड़ रोड पर है। और एमिनिटीज़ की बात करूँ तो स्कूल्स, जिम और हॉस्पिटल, ये सारी ही चीज़ें, मार्केट वगैरह जो है आपको बहुत ही पास में दिखाया गया, यानी कि 400 से 500 मीटर की दूरी पे मिल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको अगर फ्रंट की बात करूँ तो एलिवेशन आपको दिखा देता हूँ, एलिवेशन जो है वो किस तरीके यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो काफ़ी एक अच्छा एलिवेशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। साइज़ की अगर बात करूँ तो साइज़ आपको जो यहाँ पर मिलेगा, यानी कि इस विला का जो साइज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, 14x40 का यहाँ पर साइज़ मिल जाता है, यानी कि जो है 65 गज का बना हुआ है, सोसाइटी का है। दोस्तों अगर लोन की बात करूँ तो लोन यहाँ पर जो है आपको 80-90% तक लोन हो जाता है। ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन हो पाएगा, बाकी हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है 80-90% लोन हो जाता है। अगर आप बात करूँ पॉर्च एरिया की तो पॉर्च एरिया काफ़ी बड़ा स्पेसिस के साथ में आपको मिल जाता है। यहाँ पर छोटी सी एक जो गैलरी है आपको मिल रही है, गैलरी का साइज़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर स्पेसिस के साथ में आपको मिल रहा है। आप इजीली यहाँ पर आपके गमले वगैरह जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप इजीली रख सकते हैं। हाइट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हाइट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो है वाटर टैंक का प्रोविज़न यहाँ पर आपको मिल जाता है काफ़ी बड़े साइज़ के साथ में, यानी कि बात करूँ 5000 लीटर टैंकर यहाँ पर आ जाता है। सीवरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी से रिलेवेंट आपको यहाँ पर जो है टैंकर डलाना पड़ता है। टैंकर की अगर बात करूँ तो 300 रुपये समथिंग आपका टैंकर यहाँ पर डल जाता है। एंट्रेंस की बात करूँ तो एंट्रेंस में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, एंट्रेंस यहाँ पर आपको जो है बाहर से स्टेयर्स नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि अंदर से यहाँ पर स्टेयर दी गई है। आपको एंटर करते हैं तो एंटर से पहले आपको यहाँ पर जाली वाला एक गेट मिल रहा है और उसके साथ में आपको जो है वुडन का गेट भी मिलेगा, डबल पल्ले का यहाँ पर आपको गेट मिल रहा है। देखिए काफ़ी डिजाइनेबल यहाँ पर जो है सनमाइका लगाई गई है, जो कि काफ़ी एक अच्छा लुक आपके रोड्स को दे रही है। अब जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एंटर होते ही आपको जो है छोटी सी स्टेयर दिखती है और स्टेयर के साथ में आप एंटर हो जाते हैं और एंटर होते ही आपको दिखाई देता है यहाँ पर LED का पैनल, जो कि काफ़ी बड़ा LED पैनल यहाँ पर आपको मिल रहा है और इसमें आपका बड़ा सा LED यहाँ पर लग जाएगा जो कि आपके हॉल को चार चांद लगा देता है। अगर बात करूँ हॉल के साइज की तो 14x13 का काफ़ी बड़ा एरिया हॉल आपको यहाँ पर मिल रहा है और इस साइड में किसी भी जगह को छोड़ा नहीं गया है दोस्तों, सभी जगहों को यूज़ किया गया है ताकि आप प्रॉपरली अपना किसी भी सामान को कैरी कर सकें। तो यहाँ पर अलमीरा से यहाँ पर जो है वार्डरोब आपको मिल रही है, वार्डरोब का आप साइज़ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज के साथ में वार्डरोब यहाँ पर लगा करके दी जा रही है, जिसमें कि आपका अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं आप यूज़ नहीं करते हैं डेली बना के ज़िंदगी में आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं। सामने की साइड में जो है आपको यहाँ पर फोर से काफ़ी अच्छा एक टेक्सचर देखने को मिल रहा है, टेक्सचर ब्लैकिश और आपको जो है क्रीमिश जो है टेक्सचर यहाँ पर दिया गया है। और ऊपर की साइड में काफ़ी एक अच्छा जो है आपको फोर सीलिंग में जा रही है, जो कि डिजाइनेबल फोर सीलिंग है। यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे यहाँ पर जो आपको पेंटिंग्स मिल रहे हैं, पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर यूज़ की गई है, जिससे कि आपके घर को चार चांद लगाया जा सके। मैं बात करूँ अगर रसोई की यानी कि किचन की, तो किचन यहाँ पर आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। मॉड्यूलर किचन का साइज की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, स्पेसिस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे कैबिनेट दिए गए हैं ताकि आप इजीली अपना सामान यहाँ पर कैरी कर सकें। और ये ऊपर के साइड में कैबिनेट भी दिए गए हैं जहाँ की अपने कोई भी सामान आप इजीली रख सकें। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए काफ़ी एक अच्छी जगह दी गई है, जो कि विंडो है और आप इजीली आपका वेंटिलेशन होता रहे और जो है सनलाइट आती रहे, तो आपको रोशनी से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी सफोकेशन ऐसी जैसी प्रॉब्लम ना आए, जैसे यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी एक विंडो लगा करके दी गई है। तो ये था हॉल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रूम की, तो रूम में आपको दिखाऊँ दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर लिया नहीं किया तो फिर से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए पर वीडियो को। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा साइज़ आपको स्पेसेस के साथ में 11x12 का ये इतना बड़ा रूम मिल रहा है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट रूम दिखाया है। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग मिल जाता है, किसी भी चीज़ में कंजूसाई नहीं की गई है, हर चीज़ का ध्यान रख के जो है रूम बनाया गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है वाटर मिल जाती है, आप इजीली अपना सामान कैरी कर सकते हैं। सामने की साइड में आपको जो है टेक्सचर दिया गया है, साइड में काफी एक अच्छा टेक्सचर डिजाइन दिया गया है डिजाइनेबल, और उस तरफ एसी का सेपरेटली पॉइंट दिया गया है। टॉप साइड पे देखेंगे तो टॉप साइड में आपको जो है यहाँ पर काफी अच्छा एक 70 वॉलपेपर लगा करके दिया गया है, जो कि आपको फोर सीलिंग के साथ में देखने को मिल रहा है। और छोटे छोटे आपको पॉइंट दिए गए हैं पैनल्स के, जिसमें कि आपको रूम को काफी एक अच्छा सजावट के साथ में बना करके दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको
वेंटिलेशन के लिए काफी जगह अच्छी दी गई है, जिससे कि आपका प्रॉपरली वेंटिलेशन होता रहे और रूम के अंदर सफोकेशन जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था इसका पहला रूम। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर की तरफ, यानी कि इसके फर्स्ट फ्लोर पे, ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कॉमन में यहाँ पर एक बाथरूम भी आपको मिल जाता है, जो कि काफी बड़े साइज में मिल रहा है। अभी जो है इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी सारा सामान यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे कमोड वगैरह लगा करके दिया जाएगा। अंदर की साइड में जैसे मैंने आपको बताया था कि अंदर की साइड से ही आपको स्टेयर्स मिलने वाली है, और रेलिंग की अगर बात करूँ तो कुछ एक अलग डिजाइन के साथ में आपको यहाँ पर रेलिंग मिल रही है, और साथ ही साथ ये स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, तो यहाँ पर तो जंग से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एक पेंटिंग यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा महसूस कराता है आपको, और काफी अच्छा जो है पॉजिटिव फील आता है दिमाग के अंदर। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी अच्छी जो पेंटिंग है यहाँ पर दी गई है, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो सके। यहाँ पर आपको जो है काफी अच्छा हॉल दिया गया है, देखिए हॉल की साइज आप देख सकते हैं, काफी अच्छा हॉल साइज स्पेसिस के साथ में मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा जो है पेंटिंग दिया गया है, हरियाली से रिलेटेड यहाँ पर जो है छोटे छोटे जानवर और पेंटिंग है, तो काफी अच्छी पेंटिंग यहाँ पर मिल रही है। तो कोशिश की गई काफी अच्छा आपको जो है एनवायरमेंट दिया जाए रूम के अंदर। ऊपर की साइड में आपको फोर सीलिंग मिल जाती है, फोर सीलिंग काफी डिजाइनेबल आपको मिल रही है। मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।